इजराइल को सुकमा जिले के एर्राबोर पेटा कोविन आश्रम में 6 साल के मासूम बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म के मामले के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा राजनंदगांव ने राजनंदगांव के मानव मंदिर चौक में पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। भाजपा महिला मोर्चा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में बेटियां सुरक्षित नहीं, कानून व्यवस्था हुई लचर और भाजपा महिलाओं ने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इस घटना की निंदा की है। छत्तीसगढ़ से मनीष दयाल के साथ किरण सुलेमान। ऐसे आज मुहर्रम का दिन है और यहाँ पे चौक में इस प्रकार से पुतला दहन और जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि सुकमा के एर्राबोर छात्रावास में 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार होता है। वो बच्ची आज इतनी भयभीत है, वो अपनी पीड़ा तक बयान नहीं कर पा रही है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी आपको कि छत्तीसगढ़ में जो 5 सदस्यीय जो टीम बनी है भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री के नेतृत्व रंजना साहू जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है, आज वॉचिंग यदि वहाँ गई उसे पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब तक यह टीम वहाँ नहीं पहुँची थी इस विषय को संज्ञान में लिया ही नहीं गया, इस विषय को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया गया। अच्छा, जैसे अभी सुकमा जिले में घटना हुई है तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, वैसे ही एक घटना मणिपुर का भी देखने आता है, क्या आप लोगों ने उनके लिए आवाज उठाया क्या उनको? बिल्कुल, महिला तो महिला है, बच्ची तो बच्ची है। हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की समस्त बहनें, चाहे पूरे विश्व में, चाहे हमारे पूरे देश में, कहीं भी इस तरह की यदि कोई घटना होती है, इस तरह का कोई जघन्य अपराध होता है, तो हम महिला मोर्चा की बहनें निश्चित रूप से वहां खड़ी हुई हैं। और ऐसे जो अपराध होता है, चाहे वह कोई भी, हम निश्चित रूप से उसका विरोध करते हैं, हम निश्चित रूप से उसकी निंदा करते हैं। आपका परिचय बता दो। संगीता मिश्रा, प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य, महिला मोर्चा। एक बालिका 10 साल की सुकमा जिले में उसका बलात्कार हुआ था, जो हॉस्टल में रहती थी, उस संबंध में भूपेश सरकार की जो निष्क्रियता को उजागर हुआ है, उसको महिला मोर्चा पुरजोर विरोध कर रही है। और पुरजोर विरोध के साथ में आज तो सिर्फ धरना प्रदर्शन है, कल को हमको रोड में आना पड़े तो रोड में आएंगे। पर भूपेश बघेल अत्याचार कर चुके, उस अत्याचार को हमारी महिला मोर्चा बर्दाश्त करेगी। आपका परिचय मैं मिथेश्वरी वैष्णव, दक्षिण मंडल शहर, महिला मोर्चा अध्यक्ष। नारेबाजी हुई और विरोध में पुतला भी जला। सुकमा जिले के एर्राबोर थाने के अंतर्गत जो छात्रावास आता है वहाँ पर 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस प्रदेश में कानून की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और आए दिन इस प्रदेश में दुष्कर्म, अनाचार, बलात्कार की घटनाएं बहुत तेजी से कांग्रेस की सरकार आने के बाद बढ़ी है। छात्रावास में भारतीय जनता पार्टी के भर में महिला मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री जी का, गृहमंत्री जी का पुतला दहन किया जा रहा है। सुकमा जिले के एर्राबोर में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया और उस दुष्कर्म को प्रशासन के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और उनके नेतृत्व 5 सदस्यीय दल को संगठन के तरफ से भेजा गया था, उनको भी जो है वो रोकने का प्रयास वहाँ के प्रशासन ने किया। बच्चों से वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा था, छात्रावास में घुसने नहीं दिया जा रहा था। जिस तरीके से इस प्रदेश में कानून की व्यवस्था लचर हुई है, महिलाओं के साथ अनाचार, दुष्कर्म, जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये वास्तव में चिंतनीय है। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से इस घटनाओं में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा यह मांग करती है कि जो दोषी पकड़ाए हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और इस तरीके से जो कृत्य मासूम बच्ची के साथ ये जो घृणित कार्य है, जो भी इसमें दोषी है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस प्रदेश में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कानून की व्यवस्था जो है बहुत जो लचर हो चुकी है,
मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी से हम यही मांग करते हैं कि आप महिलाओं को जिस तरीके से आपने हमर बेटी हमर अभियान इस प्रदेश में एक अभियान चलाया था और आज बेटियों के साथ इस तरीके से घृणित कार्य हो रहे हैं, उनको आपको रोकना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा पुतला फूंक कर यह विरोध किया जा रहा है और यह आने वाले समय में अगर इस तरीके से घटनाएं की पुनरावृत्ति होगी तो महिला मोर्चा जो है सड़क से लेकर सदन तक के लड़ाई लड़ेगा।